देश की राजनीति में 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश का अहम स्थान है। इस प्रदेश पर राजनीतिक दलों की नज़र हमेशा रहती है, क्योंकि सबको पता है कि अगर दिल्ली की सत्ता हासिल करनी है तो सबसे पहले यूपी को फतह करना पड़ेगा। यही वजह है कि हर राजनीतिक पार्टियां यूपी को जीतना चाहती हैं। यही वजह है कि कांग्रेस और विपक्षी दलों का गठबंधन भी 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी की चुनौती साधने के लिए यूपी पर फोकस कर रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने यूपी में बड़ा बदलाव किया है। कांग्रेस ने अजय राय को यूपी कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। दरअसल वाराणसी और आसपास के जिलों की राजनीति में जाने पहचाने नाम अजय राय को पीएम नरेंद्र मोदी को सीधे चुनौती देने के लिए जाना जाता है। वही माफिया मुख्तार अंसारी से 3 दशक से चल रहे अदावत की वजह से बाहुबल में भी नाम है। साथ ही अजय राय को जमीन से जुड़ा नेता भी कहा जाता है। इसी का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस ने अजय राय को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। अजय राय को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के पीछे कांग्रेस का क्या इरादा है, आइए समझते हैं। कांग्रेस ने दलित चेहरे ब्रजलाल खाबरी को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन वो इस पर खरा नहीं उतर सके। इसके बाद अजय राय को जिम्मेदारी सौंपी गई है। अजय राय के कंधों पर डूबती कांग्रेस को उबारने की जिम्मेदारी है। वाराणसी संसदीय सीट से अजय राय ने पीएम मोदी के खिलाफ भी चुनाव लड़ा था, हालांकि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी संघर्ष क्षमता का लोहा मनवाया था। अब कांग्रेस ने ऐसे समय में अजय को कमान सौंपी है जब कांग्रेस की यूपी में हालत पतली है। यूपी में कांग्रेस के पास 80 लोकसभा सीटों में केवल रायबरेली ही एकमात्र सीट है जहां से कांग्रेस की सांसद सोनिया गांधी हैं। वहीं दूसरी ओर देखें तो यूपी की 403 विधानसभा सीटों में केवल 2 सीटें कांग्रेस के पास हैं। ऐसे में अजय राय को न सिर्फ संगठन मजबूत करना होगा बल्कि उन्हें लोकसभा में कांग्रेस की सीट भी बढ़ानी होगी। बता दें कि 1996 में वाराणसी के कोलअसला विधानसभा से अजय राय विधायक बने थे। इसके बाद अजय राय से ये सीट कोई छीन नहीं पाया। 1996 से 2009 तक लगातार अजय राय यहां से विधायक रहे। 2009 में भाजपा नेताओं से मतभेद होने के चलते अजय राय ने पार्टी छोड़ दी थी, फिर वो सपा से होते हुए कांग्रेस में गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में अजय राय तीसरे स्थान पर आए थे, फिर उन्हें राज्य इकाई के फेरबदल में उन्हें प्रयागराज क्षेत्र के लिए पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। इसमें पूर्वी यूपी के करीब 12 जिलों की जिम्मेदारी उन्हीं पर है। अजय की पहचान जुझारू और जमीनी नेता के तौर पर रही है। वो 2 बार पीएम मोदी को भी राजनीतिक मैदान में चुनौती दे चुके हैं। यही वजह है कि अजय लल्लू और ब्रजलाल खाबरी के बाद उन्हें प्रभार दिया गया है। अजय राय भूमिहार जाति से आते हैं। कांग्रेस नेतृत्व ने उन्हें जिम्मेदारी देकर ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि ब्राह्मण समेत अन्य सवर्ण जातियों को भी साधने का प्रयास है। अजय राय पूर्वांचल में अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही कांग्रेस पार्टी को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस ने यूपी में ब्राह्मणों के साथ साथ अन्य उच्च जातियों को अपने साथ जोड़ने का संकेत दिया है। अजय राय ने मुरली मनोहर जोशी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक को चुनौती दी और बड़ी संख्या में वोट हासिल किए। इतना ही नहीं, अजय को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का करीबी माना जाता है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में अजय राय को यूपी का कमान कितना फायदेमंद होता है। लंबे दशकों से उत्तर प्रदेश में सत्ता से दूर रही कांग्रेस पार्टी अपने संगठन में लगातार बदलाव कर रही है और ऐसे में ब्रजलाल खाबरी को हटाकर अजय राय को नया प्रदेश अध्यक्ष चुना है। अजय राय पूर्वांचल से आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। ये कहा जाता है कि अजय राय की छवि एक बाहुबली नेता के साथ ही एक तेज तर्रार नेता के रूप में भी जाना जाता है। अजय राय के प्रदेश अध्यक्ष बनते ही संगठन में जो एक जोश है, एक उत्साह देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से अभी कहा जा रहा है कि जो एक इंडिया का नया गठबंधन तैयार हुआ है उसके तहत अजय राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, ताकि आगामी समयों में अगर बसपा सुप्रीमो मायावती से कांग्रेस का गठबंधन होता है तो इसके लिए एक स्पेस तैयार होगा, क्योंकि ब्रजलाल खाबरी भी पिछड़ी जाति से आते थे। तो ऐसे में जो दलितों का राजनीति मायावती करती है या फिर समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में एक नया फार्मूला दिया है पीडीए का, तो उस फार्मूले के तहत कहीं पर भी आपसी कोई कोलेबरेशन ना हो, इसको तहत ही अजय राय को रखा गया है। और जो एक दमदार छवि है उस छवि के साथ ही इनको रखा गया ताकि संगठन को मजबूती मिले। लेकिन अब देखना होगा कि जो लंबे समय से ही सत्ता से दूर रही है, इस नए फेरबदल के बाद कांग्रेस की कितनी वापसी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।